हे कैंसर, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज मैं कैंसर यानी कि कर्क राशि सन मून राइजिंग जोडियक की प्रेडिक्शन करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हम देखेंगे कि नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में, करियर में एंड ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, क्या क्या इवेंट्स होंगे, सब हम डिटेल में देखेंगे। ओके सो अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो बाकी के साइंस के भी रीडिंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके आप चैनल पे विजिट कर ज़रूर चेक कीजिए, और जो बाकी साइंस हैं जो बचे हुए हैं उसे मैं बहुत जल्द ला रही हूँ, ओके वन बाय वन, सो स्टे ट्यून्ड। सो आज देख लेते हैं कि कैंसर आपके लाइफ में क्या होने वाला है नवंबर मंथ में। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ में देख लेते हैं, फिर हम करियर में देखेंगे। We have the star. Two of Cups. Can you imagine, guys? Wow. So, कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपके लव लाइफ में कोई टॉरस एंटर करने वाला है, ओके? किसी लाइक जो भी पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, उनकी चार्ट में बहुत ज़्यादा टॉरस होगा, ठीक है? या फिर उनकी मून साइन टॉरस होने के चांसेस हैं, या सन साइन, ओके? Four of Swords. The Magician. Wow. Guys, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है? Guys, आपके लव लाइफ में तो जो चीज़ आप चाह रहे हो वही होने वाला है, ओके? जिस चीज़ को आप दिल से चाह रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, जो भी चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो, विश कर रहे हो अपने लव लाइफ में, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। सो अगर आप किसी का कम बैक, किसी का रिटर्न चाह रहे हो, यू नो रियूनियन चाह रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेशन चाह रहे हो, वो होगा। अगर आप मैरिड हो बट मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, हो सकता है कि आपको फैमिली बनाना है, आपको बच्चे चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सो मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक होगी। अगर आप सिंगल हो, बोर्डम में जी रहे हो, अकेले जी रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जेन्युइन पार्टनर नहीं आ रहा है, कब से वेट कर रहे हैं, कब से होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं और वेट किए ही जा रहे हैं बट नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है, सो द वेट इज़ ओवर। नवंबर मंथ में मैक्सिमम लोगों के लिए जो भी विश आपने मांगी है, जो चीज़ भी है, हो सकता है बहुत लोग आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कुछ लोग होप कर रहे हो, कुछ लोग प्रे कर रहे हो, कुछ लोग वेट कर रहे हो, तो जो भी चीज़ आप विश कर रहे थे अब तक अपने लव लाइफ में कि ये चीज़ हो जाए, वो यहाँ पर होगी। सो कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन, सो कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है? बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर अनकन्फेस्ड लव था, जहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार था बट आपका कोई क्रश था, या फिर आपके जो पर्सन थे वो कन्फेस नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या फिर आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिनको आपसे प्यार है बट वो जो है अपने दिल की बात आपके सामने रख नहीं रहे थे, सो वो डेफिनेटली आप जो है कन्फेस करने वाले हैं नवंबर मंथ में, वो अपने दिल की सारी बातें आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं बहुत जल्द, ओके? सो मुझे लग रहा है कि अगर आप अब तक अकेले थे, अकेले जी रहे थे, परेशान थे, यू नो, और आपको ऐसा लगता था कि आप जिनके साथ कनेक्शन में हो वो आपको फील नहीं करते, या फिर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, कोई आपके लाइफ में नहीं आता, सो द वेट इज़ ओवर। नवंबर मंथ में मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि लव लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, और इस तरीके से स्टार्ट करेंगे जिस तरीके से आपने ऑलरेडी सोच कर रखा हुआ है, या फिर जैसा इंसान आप चाह रहे हो, जिसे आप चाह रहे हो, वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे गारंटीड नज़र आ रहा है। आप पूरी तरीके से अपने लव लाइफ में उन सारी चीज़ों को रियलिटी में अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप डिज़ायर करते हो, ठीक है? सो आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग रहने वाला है, सो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपकी हो सकती है रियूनियन हो गई है, ओके? और ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो चुके हो, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है? सब कुछ ठीक होने वाला है आपके रिश्ते में अगर ऑलरेडी रियूनियन हो गई है तो। और
अगर आप एक ऑलरेडी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए या मैरिज फिक्स हो जाए या फिर आपके पर्सन आपको सरप्राइज प्रपोजल दें, ठीक है। ये भी चांसेस यहाँ पर हैं, मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस हैं। बट जो भी चीज़ें आपके लव लाइफ में स्ट्रांग कुछ स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके सो या सो अगर आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते तब भी मुझे लग रहा है कि आपको एक जेन्युइन पार्टनर मिलेगा नवंबर मंथ में, या फिर अगर आप जिन्हें अगर किसी को चाहते हो तो उनके साथ भी आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। आपका प्यार डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ने वाला है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर बढ़ेगा नवंबर मंथ में, आप इस चीज़ को देख पाएंगे। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, वो आपको अभी ज़्यादा समझने वाले हैं, उनके साथ आपकी जो सोल टू सोल कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो एट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप अपना कोई पेट अडॉप्ट करने वाले हों, ठीक है। डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सो करियर में भी मुझे नजर आ रहा है कि कुछ एक ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक रिजल्ट आपके लाइफ में आ सकता है। तो हो सकता है कि आपको एक नया जॉब मिले, ठीक है, या फिर आपकी ट्रांसफ़र हो जाए कहीं पे, आपका प्रमोशन हो के कहीं पे आप ट्रांसफ़र हो जाओ, कहीं पे रिलोकेट कर जाओ। और साथ में मुझे लग रहा है कि आपके करियर में भी कुछ न्यू शुरू होगा, बिकॉज आप कुछ सीखने भी वाले हो, ठीक है। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप कोई न्यू कोर्स में एनरोल करने वाले हो, या कुछ अपने आप से सीखने वाले हो, खुद खुद से कुछ नॉलेज गेन करने वाले हो, खुद से कुछ पढ़कर या फिर कोई एक कोर्स ज्वाइन कर, ठीक है। तो ये कोर्स किसी भी तरीके का मुझे शॉर्ट कोर्स नज़र आ रहा है, जो कि हो सकता है कि ग्रेजुएशन का हो, यानी कि 3 साल का, या फिर नॉर्मल कोई एक कोर्स जैसे डिप्लोमा हो गया, या फिर किसी भी तरीके का मंथली कोर्स, यू नो, जैसे कि मेकअप का कोर्स हो गया, ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, थेरेपी का कोर्स हो गया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टैरो कोर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप अपना जो है माइंड को भी लगाओगे और कुछ ना कुछ चीज़ों पे आप वर्क करने वाले हो, ठीक है। सो बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप राइटर हो शायद, या फिर आप पोएट लिखते हो, या फिर आप हो सकता है कि डायरेक्शन में भी हो, ओके, लाइक आप डायरेक्टर हो, या फिर आप बनना चाहते हो आगे आने वाले वक्त पर, एनिमेशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, या फिर आप जुड़ना चाहते हो, सो उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ वर्क करोगे, और उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको वेज भी नज़र आएंगे कि हाँ, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो नवंबर मंथ में, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो, और जो वर्क आप करने वाले हो उसके रिवॉर्ड्स भी आपको तुरंत तुरंत मिलते रहेंगे। ये नहीं कि आपने मेहनत की और आपको रिजल्ट बहुत टाइम बाद मिलेगा, ठीक है, तुरंत तुरंत आप करोगे आपको मिलते जाएंगे। सो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पास है वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी। और अगर अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो उसमें भी आपको चीज़ों में जो है रिलीज देखने को मिलेगा थोड़ी सी, ठीक है, रिलीफ देखने को मिलेगी आपको, ऐसा नज़र आएगा कि जो कमियां थी फाइनेंसिस में वो कम हो रही है, और जितना आप स्पेंड कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो फाइनेंसिस के तरफ से अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो मुझे लग रहा है कि जैसा वर्क करेंगे उसके हिसाब से आपके फाइनेंसिस भी ठीक रहेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम अचानक से मिराकल नहीं होगा, लेकिन हाँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल रहेंगी। लेकिन साथ में भी आपका कुछ एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा, तो ये किसी भी तरह का एक बिगिनिंग हो सकता है। हो सकता है आप कुछ सीखो, ठीक है, या फिर आप ही कुछ सिखाओ, ठीक है, या फिर आप कुछ स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर आप किसी एक प्रोजेक्ट में वर्क करना शुरू करो। सो ऐसी चीज़ें आपके करियर में होती हुई नज़र आ रही है, आपको न्यू जॉब मिलना, प्रमोशन मिलना, न्यू बिजनेस सेटअप आप करो, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम करना शुरू करो घर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है नवंबर मंथ में। सो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड यहाँ पर रहेगी नवंबर मंथ में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरीके से रहेगी नवंबर मंथ में। हालांकि मुझे तो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है। 4 चक्र आर्कैंजल रफेल नंबर 38, यस, आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका दिल जिसमें खुश है, आपका दिल जो चीज़ चाहता है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली नवंबर मंथ में मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड होकर बहुत ज़्यादा जो है ना हल्का फील करोगे, ठीक है। आपका ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ से जो भी बैगेजेस थे एग्जिस्टिंग वो सारे हट रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा रिलीफ के साथ, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ आपका नवंबर मंथ बीतेगा। ओके,
और जो अकेलापन अगर है तो वो भी दूर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, सो आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपका वर्क प्लेस है, आपके कलीग्स हैं, सबके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करिए। मतलब जो चीज़ दिल में है वो चीज़ आप सामने भी बोलिए। ठीक है, ऐसा मत होने दीजिए कि आपका दिल कुछ और कह रहा है लेकिन आप बोल कुछ और रहे हो या फिर आप बात ही नहीं कर रहे हो। सो ट्राई कीजिए कि जो भी चीज़ें हैं बात करने से ही सॉल्व होती हैं। तो अगर वर्क प्लेस में इशूज़ हैं, फैमिली में इशूज़ हैं, लव लाइफ में इशूज़ हैं, तो अपने तरफ से जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्लियर कर दीजिए और बात क्लियरली किया कीजिए। ठीक है, और यही क्लैरिटी जितना आप कंटिन्यू रखेंगे उतना देखेंगे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं, क्योंकि हम जितना बात करते हैं, जितना एक्सप्रेस करते हैं, उतना हमारे लिए जो है चीज़ें इजी होती हैं। ठीक है, भले ही सामने वाले को कैसा लगे लेकिन हमने अपने साइड से अगर एफर्ट्स डाल दिए तो हमें कोई गिल्ट नहीं रहता कि हम बोल नहीं पाए, शायद हमें बोलना चाहिए था। इजंट इट, कार्ड देखेंगे, डोंट स्टॉप। तो आपको बताया जा रहा है कि अभी रुकना नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ में फेलियर नज़र आया है, किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, सो अभी रुकने का वक्त नहीं है। भले ही आपको लगे कि नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है, तब भी करते रहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि दूसरा पल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो अगर किसी भी चीज़ में आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो कंटिन्यू कीजिए। इसके बारे में मत सोचिए कि आपसे हो पाएगा या नहीं, या फिर आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।